खुशी, उसने कुछ गलत तो नहीं? नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उस दिन ऑफिस गए थे और सर बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने हमें साइड पे भेज दिया जहां मरम्मत का काम चल रहा था। उस घर की छत गिरने वाली थी बुआ जी, और हम वहां से निकल नहीं पाए, ना ही वहां कोई था जो हमारी आवाज सुनता। हम बहुत डर गए थे जी, बहुत डर गए थे। ओ कितनी हिम्मत, हमारी बिटिया के ऊपर इतना जुल्म ना आए। इतनी गुस्सा आ रही है कि हम अब भी हुआ जाएं और उसका ऐसे ठूसा ही ठूसा ऐसे मार मारे कि जिंदगी भर ना भूलिए। आदमी है कि राक्षस है ससुरा? बुआ जी आप तो जानती है ना वो कैसा आदमी है। अपने घर का ससुर, हमारे हिसाब से तो आपको उस इंसान के काम पर जाना बंद ही कर देना चाहिए। जब हम सब जानते हैं कि वो आदमी कैसा है तो ठीक कहा ना खुशी जी? बात ऐसा ना ही खत्म हो सकते है का? आप अपने परिवार को प्यार के खातिर भूल जाइए। हमका आपसे इससे भी ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद रही है। हम का कहने की कोशिश कर रहे हैं ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं ना? आपके माँ बाप नानी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। छोटे अंजलि बिटिया, हम जाने थे आप लोगों ने इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, पर सच्चाई छुपाने से छुप नहीं सकते। प्यार नाम का शब्द ना उसका एक ही मतलब है, बर्बादी। परिवार की, शादी की या किसी की जिंदगी की भी। नानी मेरे लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता। अपनी जिंदगी के एक एक पल में मैं क्या कर रहा हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं। जिसे आप प्यार कहती हैं उस एहसास की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करता। छोटे कहना बहुत आसान हो बते, हम जानते हैं आपने गलत लड़की चुनी है, पर हम ये गलती आपको कभी नहीं करने देंगे। हम कह रहे हैं आपको लड़की को छोड़ना ही होगा बस। नानी मुझे वो कहना ही पड़ेगा जो आप सुनना नहीं चाहती, मैं लावण्या को नहीं छोड़ूंगा। ना ही उससे शादी करूंगा। क्योंकि मैं शादी में विश्वास नहीं करता और अपनी जिंदगी वैसे ही जीऊंगा जैसे मैं चाहता हूं।
छोटे, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दे, जबकि हम जानते हैं कि तुम कितने परेशान हो और हम ये भी जानते हैं कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो। दी, मैं खुशी के बारे में नहीं सोच रहा। फिर से खुशी? हम तो लावण्य की बात कर रहे थे। छोटे, क्या हुआ खुशी के साथ, हमें भी नहीं बताओगे? ठीक है, तुम जिद्दी हो ना, तो हम तुम्हारी बहन हैं। या तो चुपचाप खाना खाओ या फिर हमें बता दो ना क्या हुआ है। हम खिला दें? अब तुम खा ही रहे हो तो हमें बता दो ना। सब्जी कैसी है? अच्छी। अपनी दी के नाम पे ना सही, कम से कम इस सब्जी के नाम पे बता दो कि क्या हुआ है। छोटे, तुम्हें हम पे भरोसा है ना? छोटे, अपने नंद किशोर पर भरोसा रखिए बुआ जी, ना परेशान मत हुआ कीजिए। अब कैसी तबीयत है खुशी जी की? जी अब ठीक है, थकी हुई है ना तो सो रही है। गिलहरी के जैसे फुदकत रहे, दंगा फसाद करत रहे, वो ऐसे चुपचाप गुमसुम पड़ी है। हमें दिल में तो जाने कैसा कैसा हो रहा है। अरे नंद किशोर जी, अच्छा ही है सोए रही है, थोड़ा आराम की जरूरत भी रहे उको। नंद किशोर रक्षा करो।